हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमजीत स्टडी पॉइंट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फिर से लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जवाहरलाल नेहरू ने ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? आइए अब इसका आंसर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, पोंगल उत्सव का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य से है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहां से प्रारंभ किया गया? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां से प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 1896 में किया गया था और यह एथेंस से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा त्रिवंतमपुरम। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवंतमपुरम में स्थित है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? चलिए फ्रेंड्स, अब इसका आंसर बताते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 9 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, 9 वर्ष। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहू का संबंध किस राज्य से है? बिहू का संबंध किस राज्य से है? चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इसका आंसर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहू का संबंध असम राज्य से है। बिहू का संबंध असम राज्य से है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? जियाना किस देश की संबंध एजेंसी है? तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जियाना जिम्बाब्वे देश की संबंध एजेंसी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? आइए इसका आंसर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, देश में सबसे ज़्यादा एटीएम एसबीआई बैंक के हैं। देश में सबसे ज़्यादा एटीएम एसबीआई बैंक के हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि लास्ट है। ग्रेड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ग्रेड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, तो आप इसका आंसर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रेड मास्टर शब्द का प्रयोग शतरंज खेल में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ग्रेड मास्टर शब्द का प्रयोग
शतरंज खेल में किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।